मुझे लगता है कि वो तड़का अपने आप ही लग जाएगा। yeah. वो हर कोई इंसान डिफिकल्ट है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर आप चीख कर ही बोलोगे तो मतलब आप ही सही हो। तो मैं आई कैन ईजली सर्वाइव द हाउस एंड आई कैन विन इट टू। तो इस बार तो बिग बॉस भी खेल रहे हैं, आई बिलीव दैट्स व्हाट इज गोना वर्क फॉर मी। तो आप अपने अंदर जाके अपने आप को जान पाते हैं क्या चल रहा है, आपको डिसऑनेस्ट बना देता है टू एन एक्सटेंट। इतना सारा सिर्फ कलेश ही है और लड़ाइयाँ हैं और अग्रेशन है, वो थोड़ा सा कम रखें, यू नो एटलीस्ट ट्राई टू डू इट। तो वो मुझे यही कहते हैं गुस्से को शांत रखना। हाय, माय नेम इज विकास मानकला एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर, दिस इज मी अर्शी सिद्दीकी। हर किसी को इंतजार था वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट का फॉर द सीजन ऑफ 16 बिग बॉस के, तो हम आ चुके हैं मिलने के लिए विकास मानकला से एंड ही इज द वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंटरिंग सून। तो चलिए जानते हैं कई सारी और ढेर सारी बातें उनसे। First of all, Vikas, I want to know how excited are you to enter in the madhouse? I think it's going to be a great experience and I'm very excited to be a part of Big Boss. And that's it. I'm just happy and raring to go. Lovely. And have you seen any of the episode or thodi bahut research about Big Boss, kaisa raha hai ab tak ka season and the current season as well? Ji, I have. And what do you think about the ongoing game in the house of Big Boss? I don't think about the game, but I think the show is doing very well. The viewers, the fans, they have showered so much of love. And I think it's great. Hamari ratings kitni achhi aa rahi hain. And it's going to be, I'm going to be really happy to be a part of such a great show. And I hope I have great innings in the house. Yes, we hope the same. Apart from that, what is that trait or what is that personality quality you are going to add tadka with in the house of Big Boss? I don't know yaar, main koi premeditated nahi karna chahta hu. I just want to be myself. Yeah. और जो लोग मुझे जानते हैं उनको लगता है कि मेरे में वैसे ही बहुत तड़का है, तो बीइंग इन द बिग बॉस हाउस मुझे लगता है कि वो तड़का अपने आप ही लग जाएगा। बट आई जस्ट वांट टू बी एज ऑनेस्ट एंड एज ट्रू एज आई कैन एंड दैट्स दैट। आई कैन नॉट प्रीमेडिटेट। जो सिचुएशन जैसी अनफोल्ड होती है, लोग जैसा कनेक्ट करते हैं उसी हिसाब से रिएक्शन होगा, उसी हिसाब से उनके साथ कनेक्शन फॉर्म होंगे। डेफिनेटली। डू यू नो एनीवन फ्रॉम द बिग बॉस हाउस करंटली एग्जिस्टिंग कंटेस्टेंट्स में से किसी? नो, आई डोंट। नो। ऑलराइट। एंड हैव यू सीन show so far and who do you think is a very difficult person to handle or deal with? Difficult person to handle or deal with? Yeah. हर वो इंसान जो अपनी समझ को सही समझ कर closed है और open नहीं है कि शायद वो गलत भी हो सकें, वो हर कोई इंसान difficult है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, एक का नाम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी, मुझे लगता है कि अगर आप सही हो तो इज्जत प्यार से भी अपना पॉइंट क्रॉस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर आप चीख कर ही बोलोगे तो मतलब आप ही सही हो। इनफैक्ट आप मेरे हिसाब से कि आपकी वो वीकनेस है और आप और गलत हो जाते हो। बट बिकॉज व्हाट मेड यू से यस फॉर बिग बॉस? तो आई सिंस लास्ट 5 years दैट इट इज़ बीन ऑफर्ड, आई वॉज ऑलवेज नॉट ओपन टू इट। बट यू नो सिंस सिद्धार्थ शुक्ला, आई रियलाइज कि वो ना अगर आप ऑनेस्ट होकर यू कैन बी, आई थिंक दैट्स द थिंग दैट एक्चुअली रियली वर्क्स एंड कनेक्ट्स विद ह्यूमन बीइंग्स। बिकॉज आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू बी ऑनेस्ट इन द थिंग्स दैट आई डू। आप सही हैं, गलत हैं, गुस्सा है, प्यार है, नोकझोंक है, हंसी मजाक है, कुछ भी है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हर है, सब में वो है। तो किसी में कोई इमोशन डोमिनेंट है, किसी में कोई, बट वो सब इमोशन अगर मैं स्ट्रेटजाइज करके रखूं और अपने आप को एक पर्टिकुलर दिखाना चाहूं तो मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं ऑनेस्टी से रहकर वो करूं तो मैं आई कैन ईजली सर्वाइव द हाउस एंड आई कैन विन इट टू। Yeah, and you'll be loved by the audience because audience truly love the real thing happening in the house of Big Boss. True. Of course. And who's gonna be your target? I have no targets. No target. All right. And do you think Big Boss is biased? अभी ना बहुत ज़्यादा सीजन बाकी है। Yeah. और किसी चीज़ की कल्मिनेशन से पहले कह देना कि वो बायस्ड हैं, फर्स्ट सेकेंड रिएक्शन अगर आपको लगे कि वो कहना ही गलत है। तो इस बार तो बिग बॉस भी खेल रहे हैं, वो मान भी रहे हैं कि वो खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से वो तो हर सीज़न में खेलते हैं, बट इस बार क्योंकि वो मान रहे हैं तो वो फ्रंट गियर में खेल रहे हैं। And I think I'm really looking forward to it. It's a game, and it's a platform. But how nicely, honestly can you win it? Is what is going to
इट वर्क फॉर मी, आई बिलीव इट दैट्स व्हाट इज गोना वर्क फॉर मी. और मैं खुद को भी जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऐसा एक घर है जहाँ पर एक्सपीरियंसेस आपको, जैसे आप कई बार मेडिटेट करते हैं तो आप अपने अंदर जाके अपने आप को जान पाते हैं क्या चल रहा है. बट वो हाउस ऐसा है कि जहाँ बाहर भी पता देख कर डील करके पता लग जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है. तो आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड टू गो एंड एक्सपीरियंस दिस. एंड घर का माहौल तो आपने अभी तक देखा ही होगा, फ्यू एपिसोड्स जैसे कि चल रहे हैं उसमें से. व्हाट मोटिव डू यू हैव, क्या मोटिव लेकर आप घर में एंटर करने वाले हो? आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस. मुझे लगता है कि कोई भी एक मोटिव लेकर जाना, स्ट्रेटेजाइज करना या एजेंडा रखना आपको डिसऑनेस्ट बना देता है टू एन एक्सटेंट. और वो करने की जरूरत ही नहीं है. अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं ऑनेस्टली रहना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू जस्ट टेक इट एज इट कम्स. एंड हाँ, बस ये है कि मैं चाहूँगा कि जो इतना सारा सिर्फ कलेश ही है और लड़ाइयाँ हैं और अग्रेशन है वो थोड़ा सा कम रखे. आई थिंक इफ यू कैन हैव अ डायलॉग नाइसली एंड रिस्पेक्टफुली देन वाई नॉट, यू नो, एटलीस्ट ट्राई टू डू इट. अगर उसके बाद नहीं समझ आए लोगों को तो फिर आप करिए गुस्सा. आप सिर्फ वही करेंगे तो वो गलत है. एंड यू नो द यहाँ पर यू कैन लूज योर कूल एनी टाइम एंड यू कैन नॉट बी ऑलवेज पेशेंट अबाउट दैट. आर यू इनसिक्योर अबाउट एनी थिंग? आर यू स्केयर्ड अबाउट एनी थिंग कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मुझसे? मुझे नहीं डर है क्योंकि लाइक आई सेड आई डोंट वॉन्ट टू प्री मेडिटेट दिस एट ऑल. बट जो लोग मुझे जानते हैं, जिनको पता है कि मुझे गुस्सा भी आता है, तो वो मुझे यही कहते हैं गुस्से को शांत रखना. बट उनको मुझसे ज़्यादा शायद मेरा इस बारे में डर लग रहा है, बट मुझे कोई डर नहीं. What message would you like to give to the fans and the viewers of Tele Chakkar? I love you guys. You have all showered so much of love on me all these years, and it has helped me, come back with new character, with another motive to entertain you guys. पर इस बार मैं खुद की जर्नी को एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ और मुझे आपका सपोर्ट, आपका प्यार पहले से भी बहुत ज़्यादा चाहिए. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस. मुझे बटरफ्लाइज भी हो रही हैं, सिर्फ नर्वसनेस भी है थोड़ी, सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है. तो प्लीज़ मुझे अपने सपोर्ट जो है आपका वो, और आपके वोट जो है वो बरकरार रखिए. अपनी फैमिलीज को भी बोलिए ये सब प्यार प्लीज़ कंटिन्यू रखिए. हेल्प मी एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस 16 विन द शो एंड होल्ड द ट्रॉफी इन माई हैंड. Thank we you. Hope the same. But just a last question. Do you think as a wildcard there will be any drawbacks entering the house of Big Boss or advantages as such? I see it from a point of only advantages. Only advantages. All right. Thank you for joining Tele Chakkar and giving us your precious time. Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.